एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने ढूंढ निकाला है बहुत ही क्रेजी वाला एक इंस्टाग्राम स्टोर जिसमें बहुत ही कूल एंड क्रेजी आउटफिट्स, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, हैंडबैग्स मिल रहे हैं जो कि पर्सनली टू बी ऑनेस्ट ना ही मैंने कभी ऑनलाइन देखे ना ही ऑफलाइन। तो मैं तो कह रही हूँ एक एक करके ट्राई करते हैं बिकॉज आई एम वे टू एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे को लग रहा है कि जो ये सिंपल वाइट बेसिक ड्रेस है मेरी काफी बार तुम लोगों ने देखी होगी या फिर तुम लोगों के पास ऑलरेडी वार्डरोब में होगी भी। तो इस बेसिक सी ड्रेस को आओ चार चांद लगाते हैं विद दिस पर्ल टॉप। दिस इज सो क्रेजी द डिटेलिंग एंड एवरीथिंग। ये थोड़ा सा हैवी है, नॉट दैट मच, बट जस्ट लुक एट द ब्यूटी। ऑल्सो जो इंस्टाग्राम पेज से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं उसका नाम है GPLT, डोंट वरी, मैं नीचे सब लिंक डाउन कर दूंगी। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट्स के लिंक्स हैं वो भी नीचे लिंक डाउन हो जाएंगे। पीछे बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है, लाइक जैसे हम नेकलेस नहीं पहनते हुक में डाल देते हैं, सेम पीछे वही दे रखा है मैकेनिज्म, सो इट्स वेरी इजी टू डू, यू जस्ट नीड समवनस हेल्प। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये बहुत ही क्रेजी लग रहा है, पूरा पर्ल का एक ब्रालेट या फिर ब्रा टॉप। ऑल्सो पहनने के बाद ना ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्लिप ऑफ हो रहा है या फिर गिर जाएगा, काफी अच्छे से इसने होल्ड कर रखा है पीछे से। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मेरे को ना बहुत कूल लग रहा है, ऐसे थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, बहुत ही ऐसे डिजाइनर सा फेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कस्टम मेड हुआ है स्पेशली मेरे लिए। आई फील सो स्पेशल इन इट, बिल्कुल ऐसे मर्मेड वाली फीलिंग आ रही है कि वो ऐसे पर्ल वाले कपड़े पहनते होंगे, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग। ऑल्सो इसका पर्ल देखो यार, इतना मोटा मोटा पर्ल लगा रखा है एंड ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये ब्रेक ऑफ हो जाएगा जल्दी, बहुत ही मोटा मोटा स्टिचिंग कर रखा है। तो काफ़ी सिक्योर्ड पीस है, लाइक ऐसा लग रहा है इस ड्रेस के साथ ही यार इतना ईजिली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लाइक बहुत ही परफेक्ट स्टाइलिंग पीस नहीं होना चाहिए ऐसा वार्डरोब में, बस पहना एंड तुम रेडी हो गए हो। दिस इज सो कूल यार, दिस इज सो शाइनी, प्लस ये आवाज भी कर रहा है, इट्स लाइक रेन ऑन मी। इट्स अ कॉइन ड्रेस, इट्स सो स्पार्कली एंड शाइनी, परफेक्ट पार्टी वाला ड्रेस यार, या फिर तुम बर्थडे भी पहन सकते हो। ये बिल्कुल ही ऐसे क्रेजी सा हो गया एक लेवल, हम नेक्स्ट चले गए हैं, बट ट्राई करते हैं। सो बेसिकली इसको हमें ऐसे ही पहनना जैसे हम अपने नॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं। It's too thanda. It looks delicate, but ये आराम से आ गई है मेरे को। Oh my god. अंदर मैंने अपना ब्लैक गारमेंट्स पहने हुए, आई थिंक तुम भी अंदर कुछ यू नो लाइक वन कलर में कुछ पहन सकते हो क्योंकि इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप्स है, बट वाओ इट्स लाइक सुपर बैकलेस। वाह, सो यू हैव टू वेयर योर लॉन्जरी अकॉर्डिंगली, मे बी यू कैन गो अहेड विद पेस्टीज, वो भी यू नो वर्क कर सकते हैं इस ड्रेस के अंडर। ऐसा लग रहा है ये जितने भी आउटफिट्स हैं स्ट्रेट आउट ऑफ रनवे आए हैं, किसी डिजाइनर ने क्रिएट करे हैं। दिस इज अमेजिंग एंड दिस इज सो कूल एंड यूनिक एंड डिफरेंट। ऐसी चीज़ें पता है ढूंढनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, आई एम सो ग्लैड दैट आई एम एक्चुअली वेयरिंग वन, दिस मेक्स मी अगेन फील सो स्पेशल। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ड्रेस इज नॉट योर थिंग, काश इसमें अगर एक टॉप होता तो बहुत कूल लगता, वेल दे हैव दैट एज वेल, दिस इज सो क्यूट एंड टाइनी, लुक्स अडोरेबल। इतना प्यारा हॉल्टर नेक कट दे रखा है इस टॉप का, ये बहुत ही अच्छे से फिट हुआ है मेरे को, चुप तो ये बिल्कुल भी नहीं रहा है, पीछे से ये ऐसे बैकलेस है, सो अगेन यू हैव टू वेयर योर लॉन्जरी अकॉर्डिंगली, बट ओवरऑल कितना प्यारा लग रहा है यार। देखो बेसिक नॉर्मल ब्लू कलर वाली डेनिम शॉर्ट्स तो ईजिली अवेलेबल होती है हर जगह, लेकिन अगेन हमारे पास है बहुत ही क्यूट वाले शॉर्ट्स, जस्ट लुक एट द डिटेलिंग यार, इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है। इनफैक्ट हल्का सा स्पेस है जो कि मुझे बिल्कुल सही लगता है क्योंकि अभी मैं खाऊंगी तो ये बिल्कुल टाइट हो जा रही है, तो इतना ठीक है। ओवरऑल फिट इसका बहुत जबरदस्त आया यार, ऐसी वाली चीज है ना, हमेशा मैं इंटरनेट पे देखती हूँ, मोस्टली पिंटरेस्ट पे देखती हूँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कौन देता होगा, ये तो अवेलेबल हो ही नहीं सकती, बट दिस इज इट, दिस इज लुकिंग सो क्यूट। मैं इस डिटेलिंग के पीछे पागल हूँ, मैं इसको बार बार टच करती रहूंगी, आई होप कि मैं इसे खराब ना कर दूं। आई जस्ट चेक, जो भी इस पे डिटेलिंग है ये पेस्ट नहीं है, मतलब ये निकलने नहीं वाली है, अंदर इसको जोड़ा गया है लाइक दिस, तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। ओह माय गॉड, such detailing is perfection, I love it, it's so pretty, mujhe rona aa raha hai, we have like proper rhinestone wala top, this is gorgeous, and sirf aage se nahi balki iska jo inside work de rakha hai aise pyara satin fabric, it's so soft, bahut hi achhi padding mere ko dikh rahi hai, it's so kuch nahi, plus iska strap is gorgeous, ye pura aise transparent net mein hai, and iska jo buckle it's like this, ऐसे खुल जाएगा ये, ओह माय गॉड लेट्स ट्राई इट, आई नीड सुपर डुपर हेल्प इन दिस। मेरे को लग रहा है ऐसे अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है ना, तो ऐसा ब्लाउज भी एक वर्क कर सकता है, यू नेवर नो, साड़ी के साथ भी बहुत क्यूट लग सकता है ये, गॉर्जियस, दिस इज हेवनली। मैं सोच रही हूँ कि इसको पेयर अप करते हैं स्कर्ट के साथ, थोड़ा और इसको शीक एंड ग्लैमरस बनाने की ट्राई करते हैं। एकदम से ना मेरी आवाज चेंज हो गई है, मेरी टोन चेंज हो गई है, मैं बिल्कुल ऐसे लेडी लाइक ग्लैमरस हॉट फील कर रही हूँ, दिस इज सुपर
डुपर गॉर्जियस. मैंने पर्सनली कभी ऐसी चीज नहीं पहनी है. अंदर इसका फैब्रिक इतना ज्यादा सॉफ्ट है, प्लस पैडिंग भी दे रखी है, तो मेरे को अंदर ऐसा कुछ लॉन्जरी पहनने की पर्सनली जरूरत नहीं पड़ी है. बट ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड विद व्हाटएवर सूट्स यू. एंड ओवरऑल ये कुछ इस तरीके से लग रहा है. आई लव द कट एंड डिजाइन. मेरे को लग रहा है कि ये लुक वैसे पूरा हो गया बट अभी भी कुछ कमी है, तो आओ इसमें एक बैग इंक्लूड करता. इस बैग ने सारी अटेंशन ग्रैब कर लिया. लाइक मैं इसको पूरे 5 मिनट तक घुमाती रह सकती हूँ. मैं चाहती हूँ कि इसकी डिटेलिंग सब देखे. इसमें से राइनस्टोन वाला यू नो डिटेलिंग दे रखा है. हैंडल में ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं. वी लव फ्लावर्स. इनफैक्ट जो ये वाला राइनस्टोन वाला पैटर्न है ना, सिमिलर ही इसमें यूज किया गया है फ्लावर बनाने में, तो ये एज इन मैच कर रहा है. वैसे ये ट्रांसपेरेंट बैग है लेकिन इसके अंदर हमें एक पाउच दे रखा है ऐसे सिल्वर सैटिन फैब्रिक का, जो कि खुद में भी कितना प्रिटी लग रहा है. लाइक मैं इसको भी कैरी करना चाहूंगी. एंड ये मेरा एक दूसरा बैग बन गया. दिस इज क्रेजी, 2 bags in 1. ओह वाओ. इसके अंदर भी इन्होंने यहाँ पे बॉटम में ऐसे मस्त सैटिन सा फिनिश दे रखे, तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है. ऐसा नहीं है कि बस फ्लावर्स लगाए एंड छोड़ दिए, एंड फ्लावर्स चिपका नहीं रखे. मेरे को एक के बाद एक इसमें ना बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें मिल रही हैं. इनको स्टिच किया गया है इन फ्लावर्स को, तो ये गिर नहीं जाएंगे. तुम्हारा ऐसे लाइक फैशन यू नो मॉल फंक्शन नहीं होने वाला इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरीज, ये यहीं जुड़े रहने वाले हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा उम्दा फिटिंग वाला एक टॉप. बिल्कुल ऐसे बॉडीकॉन हगिंग वाला टॉप लग रहा है, लेकिन ये ओवरऑल पूरा ही शियर फैब्रिक वाला टॉप है. एंड इस पे ओवरऑल ऐसे सीक्वेंस वाला मस्त पैटर्न दे रखा है, एंड पर्ल भी है. ये मैंने अपनी किसी एक वीडियो में पहना भी था, एंड टिल डेट ये मेरा एक फेवरेट टॉप है यार. मतलब इसको लगता है कि बस पहनो एंड यू आर रेडी. ज़्यादा कुछ इसमें यू नो स्टाइलिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है. एक्सेसरीज भी ज़्यादा पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओवरऑल नेक तक इस पे वर्क ही वर्क दे रखा है. इट्स जस्ट सो क्यूट. क्यूट तो नहीं है वैसे, ये बहुत ही हॉट एंड ग्लैमरस लुकिंग वाला टॉप है. एंड ये बहुत ही जबरदस्त है यार. अंदर तुम किस भी तरीके का यू नो लॉन्जरी पहन सकते हो. आई चूज टू वेयर दिस सैटिन वाला ट्रायंगल वाला टॉप, ब्रालेट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. बहुत ही मस्त लगता है इसके अंदर. व्हाइट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं एक कॉन्सर्ट में गाना गाने वाली हूँ. लाइक बिल्कुल ऐसे कॉस्ट्यूम लुकिंग वाला टॉप है, ऐसे ऑर्डिनरी लुकिंग टॉप नहीं है, तो बहुत ही मस्त यार. इसी के साथ हमारे पास है बहुत ही प्यारा राइनस्टोन में ही हार्ट शेप बैग पर्स स्लिंग. ये इस लुक के साथ प्रॉपर जा रहा है. आओ इसको खोलते हैं. Yes, ये बैग भी GPLT से ही है. इसके अंदर हमें राइनस्टोन वाला स्लिंग लाइक स्ट्रैप मिला है, एंड नॉर्मल चेन भी मिली है, तो तुम कुछ भी यूज कर सकते हो. आओ शाइनी ब्लिंगी बनाते हैं इसको. भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है यार. वैसे भी हमें हार्ट और ब्लिंगी चीजें, शाइनी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो ये सारी कैटेगरीज मेरी वो वाली टिक कर रहा है. दिस इज अडोरेबल ऑन सम अदर लेवल. ये काफी ट्रेंडी लग रहा है. एंड अगर तुम पास से देखोगे ना, ओवरऑल राइनस्टोन है इस पे यार. ये बहुत ही डिफरेंट यूनिक सी चीज है. ऑल्सो जो इसका स्ट्रैप है इस पे भी पूरा राइनस्टोन वर्क दे रखा है. 3 स्ट्रैप्स दे रखी है, यहाँ पे नॉट बंधे हुए, यहाँ पे अटैचमेंट्स दे रखी है. इनफैक्ट जो इसका जिपर है वो भी सिल्वर ही कलर में, तो इट्स लाइक प्रॉपर सिल्वर. एंड ये आराम से मस्त मेरे ये शोल्डर के लिए छोटा, तुम इसे हाथ में ऐसे हैंग कर सकते हो. बहुत ही परफेक्ट जा रहा है इस टॉप के साथ भी. मैचिंग, वी लव हार्ट्स, हार्ट्स एवरीवेयर. प्रेजेंटिंग एक और प्लेन ड्रेस. आओ इसमें अगेन 4 चार लगाते हैं. लुक एट दिस कॉर्सेट, राइनस्टोन कॉर्सेट. ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लुकिंग है. ओ मेरा बिल्कुल शक्ल इसमें फिट हो रही है. Anyways, this is how it looks like. ये इसका बैक है. इसको देखो पहनने में ना हमें बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा. कैसे करना है मन्नी, एक सेकेंड. ग्रेट, इसको ढीला कर रखा है हमने पूरा. जो पीछे रिबन दे रखे ना, यस पीछे रिबन दे रखे है, सो क्यूट. मैंने ये वाली ड्रेस चूज करी है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसमें लाइक ये प्रॉपर फिट हो जाएगा. तुम किसी टॉप के साथ भी पहन सकते हो, बहुत ही यू नो क्रेजी लगने वाला है ये. आई थिंक इस कॉर्से की स्पेशल बात ये है कि कॉर्से तो है नॉर्मली यू नो मिल जाता है मार्केट में, आजकल काफी पॉपुलर है, लेकिन इसके ऊपर जो ये राइनस्टोन वर्क दे रखा है, इट गोज टिल दी एंड. तो जो ये नीचे हैंगिंग वाला थिंग आ रहा है ना, ऑल ओवर, यस पीछे भी है, साइड में भी, आगे भी है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूनिक और स्पेशल लग रहा है. काफी डिफरेंट लुकिंग है. एंड अगेन व्हाइट के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है. ये व्हाइट मैश में ट्रांसपेरेंट है, तो व्हाइट ड्रेस के ऊपर या फिर व्हाइट टॉप शर्ट ड्रेस किसी के ऊपर भी यू नो आराम से जा सकता है. प्रॉपर ऐसे मॉडर्न सिंड्रेला वाली वाइब आ रही है. आई फील लाइक अ प्रिंसेस इन इट, जो कि हमेशा से मेरा सपना रहा है, आज वो पूरा हो गया. दिस इज सो क्यूट. हमारे पास है एक पर्ल बेल्ट, बट ये बहुत ही डिफरेंट लुकिंग है. लाइक नॉर्मल बेल्ट बेल्ट नहीं है, इसके अंदर स्ट्रैप्स भी दे रखे हैं. एंड इसको हमें नॉर्मल एज अ, ओह ये स्ट्रेचेबल है.
ये मैंने बेसिक प्लेन अपने आउटफिट पे पहनने की ट्राई करी है ताकि मैं भी इसे समझ पाऊँ कि कैसी लगेगी। ये हल्का सा लूज है विच इज़ ओके क्योंकि आराम से मैं इसे पहन पाई एंड ये एडजस्टेबल नहीं है बट यू नो वॉट इट स्टिल लुक्स क्यूट। इसको हम ढंग से भी स्टाइल कर सकते हैं बट ओवरऑल इट्स लुकिंग लाइक दिस। इसको ऐसे पहनना है एंड बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जो भी इसकी स्टिचिंग है ना ये स्ट्रेचेबल है तो तुम इसे आराम से पहन सकते हो। दिस इज सो थॉटफुल। मैं इसे देख के सोची थी कि मैं इसे कैसे पहन पाऊंगी बट वाओ सच अ नाइस एक्सेसरी। अगेन हम इसको बहुत तरीकों में ना स्टाइल कर सकते हैं। अभी फेस्टिव सीजन भी आने वाला है तो साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हैं, बहुत ही क्यूट लगेगा। वेरी मिनिमल वेरी प्रिटी। हमें तो देखो स्टार्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लिटरली मेरे पास स्टार टैटू भी है और तो ये भी सिमिलर इंस्टाग्राम स्टोर से ही है एंड ये एक स्टार स्कर्ट है। एक सेकंड दो यार मेरे को। वैसे जो ये स्टार स्कर्ट है मैंने डिज्नीलैंड में पहनी थी। यस मैंने बहुत पहले इनसे ये स्कर्ट मंगवा ली थी एंड क्योंकि मैंने पर्सनली इनके काफी पीसेस यू नो ट्राई कर रहे हुए हैं तो आई वाज लाइक कि क्यों ना एक फुल वीडियो बनाई जाए और भी चीजें हम ट्राई करते हैं। तो ये स्टार स्कर्ट ये नॉर्मल बेसिक आउटफिट यू नो ब्लैक कलर पे भी बहुत ही ज्यादा उमदा लग रहा है। बेस्ट पार्ट ये कि ये बिल्कुल भी चुभ नहीं रही है, बहुत ही पॉइंटी पॉइंटी इसके यू नो एंड्स है बट या इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड मैंने इसको पूरे दिन पहना हुआ था शाम को। एवरीबडी वॉज लुकिंग एट मी बट इन अ वेरी गुड वे बिकॉज जस्ट लुक एट इट यार इट्स अ स्टार, सब देखेंगे इसे। लास्ट चीज कुछ ज्यादा ही डिफरेंट एंड यूनिक लुकिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा राइनस्टोन वर्क, ये है एक हेड गेयर या फिर एक हेड पीस तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। इसमें इलास्टिक बैंड है एंड ये एडजस्ट हो जाती है तुम्हारे हेड पे लाइक दिस। ये पीछे से कुछ इस तरीके से है, आगे से बहुत प्रिटी लग रही है। तुम अगेन इसे बहुत डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो। आजकल वैसे जो ये वाला हेड पीस है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, लाइक मैंने इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे तो बहुत ज्यादा देखा है एंड भाई साहब क्या मस्त तरीके से लोग इसे स्टाइल करते हैं। अभी तो मैं बस पहन के दिखा रही हूँ। आई डोंट नो काफी लोगों को शायद अच्छा ना भी लगे, काफी को अच्छा लगे भी बट पर्सनली दिस इज क्वाइट डिफरेंट एंड कॉन्सर्ट वगैरह में हम अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। यार आज हमने कितनी क्रेजी वाली चीजें ट्राई करी है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट पीस कौन सा था आज की वीडियो में से, तो कमेंट्स डाउन बिलो। मुझे तो एक एक चीज ट्राई करने में इतना ज्यादा मजा आया एंड पर्सनली मेरे को लग रहा है कि सारी चीजें काफी यूनिक डिफरेंट एंड सूट भी कर रही थी। तुम मुझे बताओ कि तुम पर्सनली कौन सी चीज ट्राई करना चाहोगे इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ऑल्सो डोंट वरी, जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स आज ट्राई करे सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे एंड या टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।